नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस करेगी पैदल मार्च, 28 फरवरी को होगा किसान सम्मेलन। पोखरण में दो युवकों ने की चिकित्सक से मारपीट, आक्रोश में नर्सिंग कर्मी हुए लामबंद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई 53वीं पुण्यतिथि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस एआईसीसी के आह्वान पर 20 फरवरी को हर जिले में पदयात्रा निकालेगी। वहीं राजस्थान कांग्रेस की तरफ से 28 फरवरी को किसान सम्मेलन होगा। राजस्थान कांग्रेस किसानों को अपना समर्थन देने के लिए लगातार धरना और चक्का जाम कर रही है। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान आकर किसानों की आवाज बुलंद कर चुके हैं। अब राजस्थान कांग्रेस एआईसीसी के आह्वान पर 20 फरवरी को हर जिले में पदयात्रा निकालेगी। किसानों के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस की पदयात्रा 5 से 15 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है, जिसमें जिले से आने वाले मंत्री, विधायक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होकर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। वहीं पोखरण के राजकीय अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर तुलसाराम के साथ दो युवकों ने घर जाकर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल के कार्यरत चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी लामबंद हो गए। मारपीट में चिकित्सक तुलसाराम का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी घर के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिससे माहौल गर्मा गया। साथ ही चिकित्सक ने दो युवकों के खिलाफ पुलिस थाना पोखरण में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार चिकित्सक तुलसाराम निवास पर बैठे थे कि अचानक अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के परिजन बच्चों को देखने की बात को कहकर चिकित्सक के घर पहुंच गए। चिकित्सक ने कहा कि मैंने बच्चे का इलाज अच्छी तरह से कर दिया है, वहीं उसकी जांच कुछ देर पहले ही करके घर पहुंचा हूं। लेकिन मरीज के परिजन नहीं माने और चिकित्सक को जबरन अस्पताल ले जाने की बात करने लगे। अस्पताल नहीं चलने की बात पर चिकित्सक के कहने पर मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने चिकित्सक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में चिकित्सक तुलसाराम का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वहीं लगातार 3 दिन में दूसरी घटना को लेकर नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक लामबंद हो गए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब गिरफ्तारी होनी है, उसके बाद जो भी हो रहा है उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और ये डिसाइड करेंगे डॉक्टर साहब और हमारे अधिकारी बैठ के। इस तरह से रोज के रोज मारपीट होती रहती है, यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं सुरक्षा की, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कोई भी आम आदमी आके मार के चला जाएगा। और उस दिन भी जब हुआ तो नर्सिंग स्टाफ को बिना और डॉक्टर को बिना किसी वजह के एपीओ कर दिया, इस तरह से चलते रहेगा। सबको एपीओ करके भेज दो, या तो या दूसरा लगा दो, या फिर या व्यवस्था करे, कोई चौकी की व्यवस्था करे या सुरक्षा की व्यवस्था करे यहाँ पे प्रशासन। मुश्किल है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग तो बैठे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट की कोई सीरियस भी नहीं है। सीरियस हुआ तो, और वैसे भी पेशेंट को सीरियस आएगा तो वो सब तो ठीक होते नहीं, चाहे जोधपुर में जाओ चाहे जयपुर जाओ, बड़े इंस्टीट्यूट में मरते हैं, यूँ तो है नहीं कोई मरते नहीं। और उसका आरोप लगा हुआ है कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, तो मतलब राजधानी जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 में उल्लेखनीय कार्य करने वाली नर्सिंग के रूप में विनीता शेखावत को सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्मारक धान में दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जनान अस्पताल में कार्यरत विनीता शेखावत मुख्यमंत्री के IMHS प्रोग्राम के तहत सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर पेपरलेस वर्क में सहायता दे रही थी। वर्तमान में वे राजस्थान के सबसे बड़े कोर सेंटर RUHS अस्पताल में नर्सिंग सेवा देने के साथ ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अग्रणी भूमिका कार्य करते हुए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान चला रही हैं। कोविड-19 के दौरान फर्ज के साथ मानव धर्म निभाते हुए लॉकडाउन से लगातार सुबह शाम असहाय लोगों के लिए खाने की व्यवस्था 3 महीने तक की। आज के कार्यक्रम देखिए, आज से 1 साल पहले भिलाई छत्तीसगढ़ में पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से हमारे भाई मोहनलाल की डेथ हो गई थी, क्योंकि कर्तव्य के दौरान और ड्यूटी के दौरान इनकी मृत्यु हुई, इसलिए मैं इनको शहीद का दर्जा देता हूँ कि हमारे भाई शहीद मोहनलाल जो अपने कर्तव्य के दौरान भगवान को प्यारे हुए, आज हम सब लोगों ने मिलकर के उनकी मूर्ति का अनावरण किया है और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कैसे सब कुछ उन्होंने पैदा किया। मांग मांग उनके नाम।
एक साल पहले राजस्थान के तीन राजस्थान पुलिस के सैनिक भिलाई छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। आज भाई मोहनलाल जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पूनिया के मुख्य अतिथि में और हमारे विधायक महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे देश में जो शहीदों का सम्मान है, और मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय से शहीदों को सम्मान देने का कार्य शुरू हुआ था। लगातार भारत सरकार माननीय मोदी जी की सरकार शहीदों को सम्मान देती आ रही है और कुछ समस्याएं भी इन तीनों जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान उनको लेकर सरकार से भी हमारी मांग है कि इनकी परिवारजनों को सरकारी नौकरी दें। साथ ही 25 लाख रुपए की सहायता के लिए राज्य सरकार ने वायदा हमसे किया था वो इन तीनों परिवारों को नहीं मिला है। ये हमारी पुरजोर मांग है कि 25 लाख रुपए की जो सहायता सरकार ने कही थी उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वही खबर जोधपुर से, जहां ग्राम के किड़ारोद निवासी 22 वर्षीय शहीद मोहनलाल पुत्र उमराराव कपूरिया छत्तीसगढ़ के बिलाई में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी पहली बरसी पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। शहीद मोहनलाल कपूरिया की मूर्ति का अनावरण करते हुए समारोह में विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। करगिल से लेकर अब तक अनेक वीरांगनाओं ने अपनों को खोया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर के किड़ारोद गांव के वीर सपूत मोहनलाल कपूरिया का बलिदान राष्ट्र के नायक के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने शहीद मोहनलाल कपूरिया की शहादत पर उन्हें नमन किया। खबर श्री डूंगरगढ़ से, जहां तोलियासर गांव में प्रशासन का पीला पंजा चला, जोड़ पायतन से अतिक्रमण हटाए गए। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के तोलियासर गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज फिर प्रशासन का पीला पंजा चला और जोहड़ पायतन क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। आज फिर कच्चे अतिक्रमण को हटाया गया। डूंगरगढ़ तहसीलदार महावीर प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुटे। ग्रामीणों द्वारा बार बार राजस्थान हाईकोर्ट में शिकायत करने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। खबर कोलार से, जहां बांगड़सर की आरडी 860 में पिछले 15 दिनों से नियमित रूप से लाइट नहीं आ रही है, इसे लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। किसानों का कहना है कि गत पिछले 15 दिनों से नियमित रूप से लाइट नहीं आ रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो रही है। किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने किसानों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर आज आरडी 860 पर जीएसएस के आगे सभी क्षेत्रों की लाइट बंद कर कहा कि अगर 2 से 3 घंटे में किसानों से वार्ता नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। खबर मकराना से, जहां इंद्रोखा गांव में बीते मंगलवार की रात कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर गच्छीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर राजकीय चिकित्सालय गच्छीपुरा की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक चालक हनुमान राम पुत्र भूरा राम जाट उम्र 24 साल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पुलिस ने बताया कि बाइक चालक इंद्रोखा ग्राम से सरनावड़ा ग्राम शादी समारोह में शिरकत करने जा रहा था। पुलिस ने घटना के बाद कार को भी बरामद कर लिया है, पुलिस थाना में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। खबर कुचामन सिटी से, जहां पुलिस थाना और यातायात पुलिस के तत्वाधान में पिछले 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके तहत लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सौजन्य से वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर नियमों की जानकारी दी गई। 16 फरवरी को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को गुलाब के फूल भेंट कर पुलिस और लॉयंस क्लब ने गांधीगिरी दिखाई और चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जागरूक किया। पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को गुलाब और फूल भेंट किए और यातायात नियमों की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट दिए। इनकी पालना करने की अपील करते हुए कहा कि ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इनका पालन करते हुए वाहन चलाएं जिससे सुरक्षित रह सके। थानाधिकारी रामवीर जाखड़ ने बताया कि 18 जनवरी से आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर में विभिन्न प्रकार के कार्य आयोजित कर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जाएं। खबर दरियावत के प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग के बीच आज सवेरे एक ट्रेलर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर रोड के साइड और गड्ढे में फंस गया, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा। उदयपुर के डबोक से रतलाम के लिए ट्रेलर ट्रक रवाना हुआ, जो दरियावत होकर प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था। इस बीच अचानक ओवरलोड ट्रेलर ट्रक ग्यासपुर घाट स्टेशन पर चढ़ाई चढ़ते वक्त अनियंत्रित हो गया, जिससे रिवर्स होते हुए लगभग 60 फीट पीछे आकर सड़क के बीच साइड में दिशा बदलते हुए गड्ढे में जा फंसा।
ट्रेलर ट्रक धीमी गति होने से रिवर्स में चालक ने काफी कंट्रोल करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि चालक और परिचालक सकुशल रहे। वहीं कई घंटों तक बीच रास्ते में ट्रेलर फंसा रहा, जिससे आने वाले बड़े वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और छोटे वाहनों को सड़क के साइड से मजबूरन निकलना पड़ा। 4 घंटे तक बीच सड़क पर ट्रेलर फंसने के बाद क्रेन से ट्रेलर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर झालावाड़ से, जहां डग में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भजनों पर श्रोता जमकर झूमे। इस कथा का समापन शुक्रवार को होगा। क्षेत्र के गांव केलुखेड़ा में 12 फरवरी से शुरू हुई भागवत कथा के आज 5वें दिन बड़ी संख्या में कथा सुनने ग्रामीण श्रद्धालु पहुंचे। यहां कथावाचक मध्य प्रदेश के मांगरोल निवासी सुश्री अलकनंदा दीदी द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण जन्म, कंस वध, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र सहित विभिन्न पात्रों का चित्रण किया जा रहा है, जिससे आसपास के सैकड़ों ग्रामीण कथा का श्रवण करने आ रहे हैं और रोज कथा का समापन और श्रद्धालुओं के लिए भोजन का भंडारा व्यवस्था भी ग्रामीणों ने की है। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, नमस्कार। पत्रकार महोदय, आज कोविड-19 को लेकर के यहाँ टीकाकरण हुआ था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में। हमने सभी लोगों ने मिलकर के राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने इनकी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पांडाल लगाया चाय के लिए और ठंडे जल की व्यवस्था करी। और शिक्षक संघ युवा समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्य करता रहता है और आगे भी करते रहेंगे। रही बात टीकाकरण की व्यवस्था की, तो बहुत अच्छी थी। कई सारे काउंटर लगाए हुए थे और सबका वैक्सीकरण कर दिया गया है रास्ता किशनगंज में लगभग, और कुछ बचे हैं उनको बाद में कर दिया जाएगा। और शुरू में ऐसा लगा था कि टीकाकरण कोई साइड इफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा और जो हमारे अंदर भय था वो खत्म हो गया। इस अभियान के तहत जो महिला शिक्षिका होती है, पुरुष शिक्षक होते हैं, उनमें लैंगिक समानता के आधार पर कैसा रेस हो रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर यहाँ जो वैक्सीकरण हो रहा है कोविड-19 का, सुबह से हम देख रहे हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया है इसमें, और अनुपात भी बहुत अच्छा रहा है महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा। तो खबर किशनगंज से, जहां स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को कोरोना का टीका लगा। किशनगंज में 17 फरवरी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को बुधवार को स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। शिक्षा संघ युवा के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र मीणा और जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में सहायता केंद्र बनाया गया। संगठन द्वारा शिक्षकों को आने वाली समस्याओं के निराकरण के साथ ही पेयजल की व्यवस्था की गई। खबर भीलवाड़ा से, जहां 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हो गया है। इस माह में जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस और शिक्षा विभाग ने मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिए जन जागृति का अभियान चलाया। समापन समारोह से पूर्व सड़क सुरक्षा मेले को लेकर हुई गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट काम करने वाले युवाओं का सम्मान किया गया। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में आयोजित समापन समारोह के दौरान सड़क सुरक्षा को जन जागृति के लिए आयोजित की गई निबंध भाषण और नारा लेखन प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं को यातायात सुरक्षा अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ ग्रहण की। खबर तवाव से, जहां निकटवर्ती गांव जोड़वाड़ा में गौशाला के लिए भूमि का विधिवत पूजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों गौभक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ग्रामीणों की उपस्थिति में पंडित रमेश महाराज द्वारा गौशाला के लिए भूमि का विधिवत पूजन किया गया, जिसमें सैकड़ों गौभक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। खेल मैदान अतिक्रमण की भेंट न चढ़े, इसलिए 4 दीवारी का शुभ मुहूर्त किया गया। स्थानीय निवासी जगदीश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक गाँव में गौशाला होनी चाहिए, ताकि गौ माता की सेवा हो और आवारा घूमने वाला गोवंश की तस्करी न हो। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। आज इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा, और ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा।